हाय फ्रेंड्स, मैं दिग्गज सिंह चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल रनिंग फिटनेस क्लब नीमच में आप सभी का स्वागत करता हूं। 11 मार्च 2022 जो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 2020 वाली जो एग्ज़ाम है हो चुकी है यूनिवर्सिटी शिफ्ट की, और बच्चे आगामी शिक्षक बाहर आ रहे हैं उनसे लाइव लेते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और मैथमेटिक्स और एनवायरमेंट स्टडीज़ किस प्रकार क्वेश्चन पूछा रहे हैं उन सब की जानकारी बच्चों के माध्यम से या आगामी शिक्षक के माध्यम से लेते हैं। और इधर दिखा दो आप आ गए हैं और उनसे लाइव ले लेते हैं। एकदम सटाशट सटाशट निकल के आ रहे हैं, साथ में एक साथ निकल के आ रहे हैं और आगामी शिक्षक और शिक्षिका निकल के आ रही हैं। देखते हैं आज का टॉपर और बॉयज़ और टॉपर गर्ल्स कौन निकलते हैं। और इस बार का मध्य प्रदेश संविदा शिक्षक परीक्षा जो है एमपीटेट है। बहुत गुड इवनिंग सर। सर पेपर कैसा था आपका? पेपर ठीक था, नॉर्मल था। अच्छा, नॉर्मल था, ज़्यादा टफ था? नहीं, नॉर्मल था। सीडी भी ज़्यादा। आप कहाँ से? कोटा, राजस्थान। राजस्थान से। बट आपके कितने नंबर आए? 66 मार्क्स हैं। 66 मार्क्स है। क्या पेपर बिल्कुल सरल था? ठीक था, मीडियम था। मीडियम वो भी नहीं था, हार्ड भी नहीं। चाइल्ड पेडागोजी किसी पूछी गई? ज़्यादा थी उसके क्वेश्चन, ज़्यादा थे। मैथमेटिक्स, चाइल्ड, सीडी भी, जीके के कम थे, 8 से 10 क्वेश्चन थे जीके। थैंक यू सर। सर पेपर था आपका? ए जी, एक दो मिनट। बहुत गुड इवनिंग सर। क्या नाम, शुभ नाम आपका? मुकेश ढाकर। कहाँ से सर? ढाकड़ प्लेस, मंदसौर जिले। बता सकते हो चाइल्ड लोन पेडागोजी से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? पेडागोजी से कंफर्म नहीं है सर, मैथ्स में ही कंफर्म था। अच्छा, विभाजिता से आ रहे हैं। बिल्कुल सर जी। और अपने वो डिवाइड प्लस माइनस कर प्लस माइनस वाले, और बस ये लगभग इतने ही आ रहे। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर कितना स्कोर किया मैम? कितना स्कोर किया मैम? डियर मैम हाँ बहन, कितना स्कोर किया? नहीं, आपने कितना किया स्कोर? 106। अच्छा नंबर, इधर आइए, एक मिनट आइए। 106 आपके कितना गया? नहीं, आपने कितना किया इसको? 115 105 है। और क्या क्या नाम सुना? एक मिनट। खुशबू चौधरी। खुशबू चौधरी, yes. बता सकते हो चाइल्ड लोन पेडागोजी किस प्रकार क्वेश्चन पूछेंगे सब? एक मिनट, कॉल काट दिया, थोड़ा सा लाइव है तो थोड़ा सा आइए। ज़्यादा कोई हार्ड लेवल नहीं था, मॉडरेट लेवल था। मॉडरेट लेवल था। चाइल्ड लोन पेडागोजी किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? ईजी, जैसे सीटेट में हमेशा पे जो टीचिंग एग्जाम में आते हैं उस टाइप के थे। अच्छा, उसके हिसाब से। और इससे क्या लैंग्वेज में भाषा हिंदी से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? हिंदी में एक पैसेज था, एक एक पोएम थी और पेडागोजी के क्वेश्चन थे। हाँ, और लैंग्वेज टू में? लैंग्वेज टू इंग्लिश सेम एज इट इज़। लैंग्वेज में मतलब है ना, पेडागोजी के अलावा भी ग्रामर के क्वेश्चन थे, एक पैसेज के अलावा भी। और मैथ्स कैसे थे? मैथ्स तो सबसे ईजी मैथ्स। और इन्वायरमेंट अच्छा खासा था। मैम कितना स्कोर किया? मैम कितना? ठीक है थैंक यू। मैम आपने कितना किया? सर कितना स्कोर किया आपने? स्कोर कितना किया? 77। और एक दो बहन, बहन कितना स्कोर किया? बहन कितना स्कोर किया आपने? 60। और देख लेते भैया उधर आ रहे हैं तो। सर आपने कितना स्कोर किया? आपने कितना किया बहन? बहन पेपर के एक मिनट आई, आपने कितना किया? 94 स्कोर मार्क किए हैं। 94। कौन सी कैटेगरी से? OBC। आप बता सर चाइल्ड लोन पेडागोजी किस प्रकार क्वेश्चन पूछेंगे आगे? डेवलपमेंट और पेडागोजी से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो अच्छे लेवल के हैं। अच्छे लेवल के? हाँ, थोड़ा क्या है जो स्टार्टिंग के जो पीरियड है वो जन्म से लेके के बाद के जो है वो क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, जो जैसे बुद्धि से रिलेटिव, इंटेलिजेंस से रिलेटिव। सर कितना स्कोर किया आपने? एक मिनट, आपने सर 83 है। 83 कौन सी कैटेगरी आपकी? OBC कैटेगरी है। और कैसा था पेपर आज का? ठीक है, एक नंबर सर। और फटाफट पूछ लेता हूँ कैटेगरी और पूछ लेता हूँ। मैम मैम कितना स्कोर किया आपने? कितना किया? कितना स्कोर तो बता दीजिए आपने कितना किया? 94। एक मिनट सर, सर दो मिनट रुक जाइए, सर दो मिनट रुक जाइए, मैं आसान सुनो। मैम आपने कितना स्कोर किया? सर आपने कितना किया? भैया आपने कितना स्कोर किया? 98। बहन कितना स्कोर किया आपने? कितना किया स्कोर? 73। आपने सर? मैम कितना स्कोर किया आपने? कितना किया मैम? 66। आज पेपर टफ था क्या? कैसा पूछा है पेपर? पेपर बहुत टफ था। मैम आपने कितना किया? जो पढ़ाने वाले शिक्षक भी हैं वो अभी अच्छे से रिव्यू नहीं दे पा रहे हैं। और सर पेपर था आपका? मैम पेपर था। भैया कितना स्कोर किया आपने? मैं माइक में बोलूँगा। एक्चुअली में सर क्या है, मैंने कल ही आपकी वीडियो देखी थी। हाँ। ये वाली, और उस पर मैंने कमेंट भी किया था। हाँ। 119 वाला कमेंट। हाँ। आया था आपके में। हाँ। वो मेरे भाई का है। अच्छा, और मेरा भी 96 है। 96 आपके? हाँ। ठीक है, थैंक यू। हाँ सर कितना स्कोर किया आपने?
105 जी सर। अब बात करते हैं चाइल्ड कहाँ से हो आप? जावरा से। आप बताते हैं चाइल्ड में पेडागोजी किस प्रकार क्वेश्चन पूछे? थोड़ा आगे ले लो, थोड़ा डीपली पूछना था। मतलब जो वर्ग 2 और 1 के हिसाब से था चाइल्ड, पर जो दिक्कत वहाँ आई सर के पेपर जो आया जो सीक्वेंस में आना चाहिए ना, जैसे सब्जेक्ट के 30 नंबर के क्वेश्चन पहले जो भी आया पेडागोजी का आया हिंदी का, इस पेपर ऐसा आ रहा है कि कभी भी कुछ भी सवाल आ रहा है, कभी हिंदी का आ रहा है तो जिसे सबमिट करते हैं अगला तो वो मेस का दे देगा, पर्यावरण का दे देगा। मिक्सिंग आएगा, मिक्सिंग आ रहा है आज, मिक्सिंग आया। हाँ मिक्सिंग आया, हो जा रहा तो मिक्सिंग नहीं आ रहा है। नहीं सर आज मिक्सिंग आया, मिक्सिंग आया, मिक्सिंग आया। उसलिए सर क्वेश्चन किस में हार्ड बने? क्वेश्चन मतलब उसमें ये थे कि जो हिंदी और इंग्लिश में जो थे पेसेज बहुत बड़े बड़े बनाए, बड़े बड़े। अब वो टाइम खर्चने वाला, हाँ बहुत ज़्यादा बड़े वास्ट बना दिया। और ईवीएस कैसा पूछा गया? ईवीएस सिंपल ही था, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, मैथ्स भी सिंपल था, मैथ्स के सारे क्वेश्चन बन गए मेरे, पेडागोजी के बन गए, बस हिंदी इंग्लिश में थोड़ा क्या है कि वो और क्वेश्चन थोड़ा सिक्वेंस में रहता तो मतलब 120 प्लस आते। और मैथमेटिक्स कैसे पूछा? मैथमेटिक्स ईजी था सर, कुछ भिन्न के थे, कुछ परसेंटेज के थे। पढ़ता मैम आपका कितना स्कोर किया आपने? 104। एक मिनट आके अच्छे से रिव्यू दे दो, आप खड़े आगे खड़ी कर दो, ठीक है सर? थैंक यू सर। और अच्छे आए हैं एक मैम के 104 आए हैं, और इनसे ले लेते हैं। भैया कितना स्कोर किया आपने? 91। एक मिनट थोड़ा सा आगे। क्या नाम, शुभ नाम आपका? छवि नागोरा। कहाँ से हो आप? नीमच से। अच्छा नीमच जिले से। आप बता सकते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी किस तरह क्वेश्चन आगे पीछे आइए? इंटेलिजेंस के ऊपर क्वेश्चन था, गार्डनर के ऊपर क्वेश्चन था, और पेडागोजी थी। पेपर तो अच्छा था, बस ईवीएस थोड़ी सी बाहर थी। अच्छा ईवीएस में क्या क्या पूछा गया? ईवीएस में बाहर का ही था, राजस्थान का था थोड़ा सा, और हिमाचल प्रदेश का भी था कुछ कुछ। हाँ, बाहर के क्वेश्चन थे। और वहाँ पेड़ पौधे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, पहाड़ी वगैरह से? हाँ पहाड़ी से था, पहाड़ी से था, क्योंकि वहाँ पर कौन से वन कौन से पेड़ पौधे। बस यही क्वेश्चन थे, और मैथ्स अच्छी थी। अच्छा मैथ्स में क्या क्या पूछा गया? मैथ्स में रेशो का एक क्वेश्चन था, ट्रायंगल का एक क्वेश्चन था, और एक रेक्टेंगल का था, बस यही क्वेश्चन थे। बिल्कुल अच्छे से। और लैंग्वेज और भाषा यहाँ कैसी पूछी गई? भाषा भी ठीक थी, पर उसमें संधि समाज ऐसा कुछ नहीं था, बाकी दूसरे क्वेश्चन थे। अच्छा दूसरे विलोम पर्यायवाची और ये सब, पर्यायवाची ये आ गए ना, विलोम शब्द वगैरह आ गए। और क्या क्या पूछा गया बदल जी हिंदी में? बस इतना तो याद नहीं, बस यही क्वेश्चन। और इंग्लिश में क्या क्या पूछा गया? इंग्लिश में प्रपोजिशन थे, और पार्ट्स ऑफ स्पीच था, अपोजिट वर्ड था, और सिमिलर वर्ड थे, सिनोनिम और डेम दोनों। भैया ये नरेशन एक्टिव स्पेसिव से कोई क्वेश्चन पूछा गया? नहीं, इससे कोई वर्ब प्रोवर्ब से कोई क्वेश्चन पूछा गया? वर्ब से क्वेश्चन था, वर्ब से। प्री आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा गया? आर्टिकल से कोई क्वेश्चन, नाउन प्रोनाउन से क्वेश्चन बना? नाउन से था शायद एक का। अच्छा नाउन से भी पूछा गया। और अभी इसकी बात करते हैं बौद्धिक विकास से, किस चाइल्ड डेवलपमेंट से, उसमें कैसे का क्वेश्चन है? चाइल्ड डेवलपमेंट में गार्डनर की थ्योरी, गार्डनर से था, सैद्धांतिक थे प्रिंसिपल ये है ना, कोई विकास डेवलपमेंट से क्वेश्चन था। और अब बात करते हैं इससे कि बच्चों का कंफ्यूजन नहीं हो, जैसे कि आप पेडागोजी में के थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है, जैसे अभी अभी बहुत सारे बच्चों ने रिव्यू दिया है कि मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं सबके। हाँ क्वेश्चन तो मिक्स थे, वो तो अपना अपना समझने का तरीका है। आपकी 105 है ना? 104। कौन सी कैटेगरी है आपकी? OBC। बहुत अच्छे नंबर है गर्ल्स में। सर एक मिनट रुकिएगा आप, और आपसे पूछ लेते हैं कि बच्चों से किस प्रकार बोल सकते हो कि किस प्रकार तैयारी कर रहे हैं, कि इस प्रकार तैयारी कर रहे हैं? बस हर बार पैटर्न चेंज हो रहा है, वो तो कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। तो भी तैयारी कैसे क्या, आपने कितना घंटा तैयारी की थी? मैंने तो सीटेट का पेपर दिया था, तो उस हिसाब से सीटेट भी दे रखा है। अच्छा बढ़िया, अच्छा है। तो एपकेट वगैरह एपकेट में दिया था? नहीं नहीं नहीं, मेरा फर्स्ट, मेरा तो अभी फोर्थ ईयर चल रहा है, लास्ट ईयर रनिंग चल रहा है कॉलेज। एयरफोर्स जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो वाले दिया? नहीं नहीं नहीं, बस सीटेट ही दिया था, उसके बाद दूसरा एग्जाम ये दिया है। बहुत अच्छे नंबर है आपके, थैंक यू। और देख लेते हैं। हाँ सर आइए, कितना स्कोर किया सर आपने? मेरा तो सर 68 है। तो कैटेगरी कौन सी आपकी? OBC। बता सकते हो किस प्रकार का पेपर पूछा गया? सर पेपर तो अच्छा था, बट वी नीड टू स्टडी मोर एंड मोर। एक्चुअली मेरा इंग्लिश अच्छा था, मैंने इंग्लिश किया, मेरा मैथ्स कमजोर था, तो इसके कारण मैं थोड़ा पिछड़ गया। अच्छा। और विगत समय से मैंने स्टडी नहीं किया था, इसके कारण मेरा, मैंने बस आके एग्जाम ही दिया है। तो लेकिन इंग्लिश में बता दीजिए आप, इंग्लिश में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए? इंग्लिश में मतलब ग्रामेटिकली पूछा गया है, ग्रामेटिकली, लेकिन उसमें टेक्स्ट कॉन्स्ट्रक्चुअल जो पूछा है कि टेक्स्ट ले लिया, पैसेज ले लिया, उसमें से फिर ग्रामर पूछा है इस टाइप से। हाँ ओवरऑल मतलब क्या है, ग्रामेटिकल आपको नॉलेज होना चाहिए। सर आप भी आ जाइए, इंग्लिश आपके लिए ज़्यादा टफ नहीं है। वैसे ज़्यादा टफ नहीं है।
और ये इन्वायरमेंट से कैसे क्वेश्चन सर आपने कितना एक सर आपने कितना 77 हाँ इन्वायरमेंट किस प्रकार का क्वेश्चन इन्वायरमेंट भी अच्छा था लेकिन अगर हम सोचे कि बहुत सारी स्टडी करें वर्ल्ड का नॉलेज रखे तो वो चीज़ यहाँ नहीं पूछी वी नीड टू इम्प्रूव ओनली पेडागोजी ज़्यादा से ज़्यादा कंसल्टेशन करेंगे हाँ हाँ पूछे ना सिंपल से पूछे और अच्छा ही रहा कुछ न्यूज़ पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन जो पढ़े जो है इर्द गिर्द क्वेश्चन घूम रहे क्वेश्चन पूछे जा रहे ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं आ रहे नहीं ज़्यादा डीप नहीं है न्यूज़ पेपर आप पढ़े पढ़ोगे न्यूज़ पेपर से करंट से नहीं न्यूज़ पेपर से करंट जीके के आईक्यू वो नहीं है नहीं है बिल्कुल आपको जैसे बीएड जो रियल एड का जो कोर्स है वो आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा उसके बेस पे एग्जाम क्वालिफाई की जा सकती है अदरवाइज नहीं सर आप क्या कहना चाहोगे सर मैं संविधान में पहली बार एग्जाम बैठा हूँ अच्छा। पर मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि अपन जितनी मेहनत करें इतने ही नंबर आए मेरे अच्छा हाँ बाकी ऐसा कुछ नहीं लगा कि ज़्यादा टफ पूछा ऐसा मेरे को लगा नहीं कुछ भैया सर आप कहाँ से हो मैं झाबुआ जिले से हूँ राजेंद्र सिंह अच्छा झाबुआ जिले से आए हो सर आप कहाँ से मैं भी झाबुआ जिले से बिल्कुल थैंक यू आप और हाँ सर अभी चल रहा है अभी और देने सर मैम इस पेपर था आपका पेपर था क्या पेपर था मैम पेपर था कितना स्कोर किया आपने सारा को एक बता पेपर बता दीजिए बस पेपर किस प्रकार पूछा गया चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी किस कैसे पेपर थोड़ा टफ था हाँ। और लैंग्वेज भाषा हिंदी कैसे पूछी गई हिंदी भाषा तो बढ़िया थी क्या क्या पूछा गया हिंदी भाषा बच्चों के बच्चों किस प्रकार पढ़ाना इस संबंध में पूछा गया था अच्छा और इंग्लिश कैसी पूछी गई इंग्लिश में थोड़ा टफ था इंग्लिश में थोड़ा समझ और मैथमेटिक्स कैसी पूछी गई मैथ्स में भी थोड़ा समझ नहीं पड़ा कन्फ्यूज हो रहा था और ईवीएस ईवीएस तो अच्छा था ईवीएस आप बताओ कौन सी कैटेगरी सर कैटेगरी जनरल जनरल ठीक है थैंक यू मैम सॉरी वो पेपर था आपका कितना स्कोर किया आपने सर 98 कौन सी कैटेगरी आप सर एसटी से हूँ मैं एसटी से हूँ आप बता कहाँ से आए हो सर मैं रतलाम जिले से भाजना से आया हूँ आप बताओ सर चाइल्ड में पेडागोजी किस प्रकार जी सर हल्के बुल के हैं लेकिन मेरा मैथ और इंग्लिश सही था अच्छा मैथ में क्या क्या मैथ में सर चिन्ह चेंज वाले थे और इधर से जैसे कि अपने 5, 3, 6 के जो है ना विभेदता उनके नियम के किससे कट रहा किससे किसी वजह से वो वाले थे और इधर चले जाओ आप हिंदी में तो थोड़ा सा विलोम हल्के लेते हैं और इधर पर्यावरण को ले लो आप पर्यावरण में कहे तो जो गाड़ी से धुआं निकलता है इससे कौन सा क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड और बाल विकास में जो जैसे कि अपने शिशु से लगे क्या छोटे बच्चों से मतलब 6 से 14 साल की कैसे अवस्था में हाँ 6 से 18 से मतलब क्या है ये चीज़ वो चीज़ इसको थोड़ा अच्छा रहा बिल्कुल सर थैंक यू आपने अच्छा रिव्यू दिया थोड़ा सा बाहर आ जाइए आप देख लेते हैं सर पेपर था आपका कितना स्कोर किया आपने 103 अच्छे नंबर थोड़ा सा उधर के किधर क्लियरिटी दिख रहा क्या नाम शुभ नाम आपका यतीश कहाँ से आए आप बिल्लोद से गांव से बिल्लोद ये मंसूर के पास में हाँ है ना बिल्लोद से हो बता सकते हो आप कौन सी कैटेगरी से हो ऐसी कैटेगरी से हूँ लेकिन मेरा बीएड है अच्छा बीएड है हाँ। आप बता दो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए बच्चों के खेल से रिलेटेड क्वेश्चन थे 3 से 4 महीने के बच्चे किस प्रकार के खिलौने क्या रहते हैं 1 महीने के 4-5 महीने के 6 महीने से 7 महीने इस प्रकार के 2 टाइप्स के क्वेश्चन मतलब 2 सही जोड़ी में पूछे हुए थे सही जोड़ी पूछे गए और लैंग्वेज भाषा हिंदी किससे पूछी गई भाषा से पूछा गया था वो कौन सा क्वेश्चन था वो हाँ अभी इंग्लिश की बात करें इंग्लिश में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए लर्निंग बेस्ड था कितना स्कोर किया आपने मेरा 110 है आइए आराम से यार 110 नंबर नहीं इतना टाइम नहीं है मतलब किसी के लिए फ्यूचर की बात है लाइव व्यू ले रहे हैं आपके लिए खड़े नहीं आप बोल रहे टाइम नहीं गाड़ी है बाइक है आराम से जाओ आराम से उतर के लाइव आप जो पूछोगे मैं जवाब ही नहीं दे पाऊंगा क्यों नहीं दे पाओगे यार 110 नंबर है इतने अच्छे नंबर मैं मतलब मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट था तो इंग्लिश में मैंने सब किया ना मैं वैसे भी 5 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं इंग्लिश में क्या क्या पूछा बता दिया इंग्लिश में मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछे पैराग्राफ बढ़िया था वो उसमें मतलब लगभग सभी क्वेश्चन करने जैसे ही थे कितना स्कोर किया आपने और एक वो बाल विकास पेडागोजी क्या बोलते हैं वो तो मेरे को टफिश लगी मेरे 40 नंबर लगभग यूं मानो को उनमें कटे हैं कहां से आप मैं जिरन से हूं जिरन नीमच जिले से क्या नाम शुभ नाम आपका पवन पाटीदार आपका नाम है और ईवीएस कैसी पूछी गई ईवीएस भी बढ़िया थी जैसे उनको बच्चे काटने बिल्कुल मक्खन पेपर तो देंगे नहीं आपको तैयारी करनी पड़ेगी बाकी कुछ नहीं हो सकता तैयारी तो करनी पड़ेगी मैथमेटिक्स कैसी पूछी गई मैथमेटिक्स एक नंबर बहुत ईजी मतलब आप ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन देख रहे हो वो आ ही नहीं रहे कोई लाभ आने का नहीं था कोई मतलब एक चक्रवृद्धि ब्याज के से सवाल ही नहीं थे आयतन वर्ग का एक सवाल नहीं था लेकिन बेसिक क्वेश्चन थे अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे तो कर लोगे नहीं तो नहीं होना और हिंदी कैसे पूछी गई
हिंदी भी इजी थी, हिंदी और मेरे को टफ लगी इंग्लिश के मुकाबले। हाँ इंग्लिश पढ़ा रहे हो ना आपको अब? हाँ मतलब उसमें कुछ रचनाएं वगैरह पूछी, की रचनाएं किसकी, तो मेरे को तो याद ही नहीं थे, वो जो मैंने तुक्के लगाए। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी किस प्रकार कोचिंग से? वो तो उसका लेवल ही ऐसा होता है, मैंने उस सब्जेक्ट को स्टार्टिंग से इग्नोर ही किया है, मेरे से होते ही नहीं है, वो बहुत रटता हूँ। ये भली है कि जैसे क्वेश्चन इस टाइप के थे कि उस परिस्थिति में आप खुद को रख के देखोगे, अच्छा, सोचोगे कि क्या करना है, बिल्कुल ये नहीं तो हो जाएगा। हाँ आप सोचोगे कि मैं इस जगह होता तो क्या करता, तो आंसर आ जाएंगे, बाकी नहीं आने। बिल्कुल, थैंक यू यार। अच्छा सर आपका कितना स्कोर किया आपने? 92। कौन सी कैटेगरी से आप? ओबीसी। बता सर चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी किस प्रकार का क्वेश्चन पूछे गए? देखो मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। हाँ। सबसे पहले मैथ्स का। हाँ, मैथ्स बहुत इजी थी। हाँ। है ना, उसमें त्रिकोणमिति के ज़्यादा सवाल आए थे। हाँ। और एवरेज के आए थे। हाँ। और एक्स वाई वाले और ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाले ये आए थे। और क्या है कि सबसे ज़्यादा मैथ्स में पेडागोजी का रहा था वो। हाँ मैथ्स पेडागोजी। मैथ्स पेडागोजी क्या क्या पूछा गया? उसमें पेडागोजी में जो मुद्दे थे, कैसे पढ़ाना है उनको, और किसने क्या विचार रखे हैं मैथ्स पेडागोजी के बारे में, है ना, उस तरह से। और हिंदी अच्छी थी, उसमें 15 नंबर का जो पोर्शन था वो पैसेज का था। बाकी और पेडागोजी जैसे 15 नंबर में पैसेज आ गए, उसमें से समाज और जो छंद वगैरह पूछे, उसके बाद जो उसका पेडागोजी था वो भी अच्छा था, बिल्कुल अच्छे से, है ना। और दूसरी बात फिर इंग्लिश आई तो उसमें भी पैसेज थे। हाँ। उसमें नाउन प्रोनाउन कंजक्शन एडवर्ब ये सब पूछे थे। उसके बाद जो पेडागोजी थी वो भी अच्छी थी उसकी। हाँ। दिक्कत एक्चुअली ईवीएस में आई। ईवीएस में क्या है कि सिलेबस के अनुसार जो बहुत वास्ट पूछा गया, जैसे सिलेबस में जो फर्स्ट चैप्टर है खेल, अब वो खेल कहाँ का खेल, एमपी का खेल, इंडिया का खेल या वर्ल्ड का खेल, है ना। अब उन्होंने लिख दिया सिलेबस में खेल, तो कहाँ तक पढ़ो आप, है ना, वो बात है। दूसरा ये कि ये ओजोन वगैरह से प्रश्न नहीं आए थे, अच्छा, ओजोन वगैरह, है ना, अंतरिक्ष से दो तीन प्रश्न आए थे, और उसकी पेडागोजी अच्छी थी, ईवीएस की पेडागोजी अच्छी थी, पर जो 15 नंबर का जो मेन पर्यावरण का था, जो उसके सिलेबस कुछ अलग पूछा गया था, अलग तो क्या है कि था सिलेबस में, पर वो उसका लेवल बहुत ही हाई था। उसके बाद सब्जेक्ट बचता अपना सीडीपी। सीडीपी में भी क्या है कि जो स्ट्रक्चरल पूछा गया था उन्होंने कि क्या क्या हमको अगर हम उस जगह होते तो क्या करते, इस तरह से प्रश्न पूछे गए। और बाकी अच्छा रहा पेपर तो, पर सीडीपी और ईवीएस में ज़्यादातर के नंबर कट हो गए। अगर सीडीपी और ईवीएस अच्छी होती तो डेफिनेटली ज़्यादातर आपने देखा होगा कि 100 से बहुत ज़्यादा अंदर है, लोग 100 से ऊपर कम है ना। बिल्कुल सही से एनालिसिस दिया। और मेरा ये मानना है कि जो 90% स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज 90 से 95 चल रहा है। हाँ, नंबर का। हाँ, और जो 10% है। हाँ, वो 100 से ऊपर जा रहे हैं, है ना। कहाँ से वापस? मैं रामपुरा के पास रहता हूँ। नीमच जिले से? हाँ नीमच जिले से। अच्छे से एनर्जी दिया, थैंक यू भैया। ऐसा ऐसा आपको रिव्यू देना चाहिए, मतलब सोच समझ के विचार करके, मतलब बहुत शानदार तरीके से रिव्यू दिया। इससे आपकी स्किल डेवलपमेंट एंड पर्सनल डेवलपमेंट भी होती है, और धड़ाधड़ बच्चे जो हैं आगामी शिक्षा वो धड़ाधड़ निकल जाए। मैम पेपर था आपका, कितना स्कोर किया मैम आपने? 72 आया। आपने कितना किया जी? मेरी छोटी सिस्टर। अच्छा अच्छा, इनका नहीं था। बता सकते हो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछे गए? थोड़े टफ घुमा फिरा के क्वेश्चन थे, लेकिन थोड़े इजी थे, कोई दिक्कत नहीं। और लैंग्वेज वन भाषा हिंदी कैसे पूछी गई? भाषा हिंदी बहुत इजी थी। एक टॉपिक गद्यांश पद्यांश थे, उसमें पद्यांश में कवि का नाम पूछा था कि कौन से कवि द्वारा रची गई थी कविता, और उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन थे उसमें। और इंग्लिश कैसे पूछी गई? इंग्लिश में भी एक पैसेज था और एक पोइट्री थी, उसको समझ के हमें आंसर देना थे। नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वगैरह पूछे? हाँ नाउन प्रोनाउन भी पूछे गए थे, एडवर्ब वगैरह भी आए थे, एडजेक्टिव वाले क्वेश्चन भी आए थे, कंजक्शन वगैरह कुछ पूछा? जी कंजक्शन भी आए थे। और एक्टिव स्पेसिफिक नरेशन? नहीं ये नहीं है। अच्छा क्या अब प्रीपोजिशन पूछे कि आर्टिकल प्रीपोजिशन? नहीं नहीं आर्टिकल सिंटैक्स नहीं नहीं पूछेगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन? नहीं वन। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स किस प्रकार पूछेगा? मैथमेटिक्स में थोड़े सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे, और थोड़े वर्ब वाले, वो मीटर वाले, अच्छा मीटर, और सम चतुर्भुज वाले क्वेश्चन थे, समकोण वाले थे, रेखागणित से पूछा गया जी। बिल्कुल सही से नजर दिया। अब ईवीएस में एनवायरमेंट स्टडीज किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? उसमें जैसे ईवीएस में क्वेश्चन वो पूछे गए थे पर्यावरण से रिलेटेड, कि पर्यावरण में मैं भूल गई, मुझे याद नहीं था। बिल्कुल अच्छे से एनालिसिस दे रहा, अच्छा लग रहा है क्या? इतना शानदार रिव्यू दे रहा हूँ, मतलब सोच समझ के दे रहा हूँ, मतलब इतना आप हेजिटेशन नहीं है बिल्कुल, बहुत सारे आते देते ही नहीं है, चले जाते हैं। 2005 से जो शिक्षा नीति है। हाँ। उसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन आया। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग अभी। हाँ। जो नई शिक्षा नीति आई उसमें क्वेश्चन बने
हाँ, एक दो क्वेश्चन करंट अफेयर के भी थे उसमें। करंट अफेयर से किस प्रकार से पूछे? करंट अफेयर करंट अफेयर में क्वेश्चंस वो थे जैसे खिलाड़ियों से रिलेटेड थे। खिलाड़ियों से रिलेटेड, हाँ, कि ये गेम किसने खेला था सबसे पहले। अच्छा, ये गेम किसने खेला। अब इससे खेल से भी क्वेश्चन पूछे गए ना, खेल से भी क्वेश्चन। और पहाड़ी वगैरह से जो क्षेत्र वन से कोई क्वेश्चन पूछा क्या? वन नहीं, वो क्वेश्चन था कि हिमाचल प्रदेश में किस तरह के वन पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उस टाइप से। अच्छा, थैंक यू। और बच्चों से किस प्रकार तैयारी करने के लिए बोल सकते हो लास्ट में? यही है कि बाल विकास को थोड़ा डीपली अच्छे से पढ़ें, और क्या। बिल्कुल अच्छे से पढ़ें, ठीक है। थैंक यू मैम, अच्छे से दिया भी हो। और एक मैम से और पूछ लेते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आए हैं। मैम पेपर था आपका? मैम पेपर था आपसे? नहीं, पेपर तो बता सकते हो ना आप नहीं बता सकते? ठीक है, थैंक यू। आप बता सकते हो? आ जाइए मैम। सर आपका पेपर था, कितना स्कोर किया आपने? 91। आ जाइए मैम, आप भी आ जाइए मैम, आ जाइए। आ रहे मैम, आ रहे हैं, और देख लेते हैं उनसे लाइव व्यू ले लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेंगे। चाइल्ड लेवल में लास्ट है, रनिंग फिटनेस क्लब नीमच है, और बिल्कुल सर बिल्कुल पूरे ऑल इंडिया में चल रहा है रनिंग। आ जाओ पास। हाँ, क्या नाम सुनना आपका? पूजा राठौर। पूजा राठौर, कहाँ से आप? मैं जावत से, नीमच जिले से। हाँ, आप बता सकते हो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? उसके क्वेश्चन टफ लगे मुझे। अच्छा, टफ लगे, जैसे आई स्कोर्ड 107 मार्क्स, बट जो ये डेवलपमेंट थिंकर्स 107 मार्क्स, वेरी गुड। आज के टॉपर मेरे को यही मिले हैं, गर्ल्स में मिले आप 125 मार्क्स है, 115 मार्क्स है, 110 मार्क्स है, 120 मार्क्स है। अच्छा, आज मिले आपको? नहीं नहीं, ऐसे मैंने सुना है कि इतने मार्क्स भी आए हैं लोगों। अच्छा, इतने मार्क्स भी आए आप जी? मेरे को तो आपके सामने यही मिला, मेरे को एक 105 मिले हैं और 107 मिले हैं, और एक 110 ये मिले। सर नमस्कार, 110 मिले एक्सपीरियंस नंबर। बता सकते हो आप चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में और क्या क्वेश्चन पूछा गया? आप जो क्वेश्चंस थे अब याद तो नहीं है मुझे, बट हाँ क्वेश्चंस टफ थे, जैसे क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन थे जो एकदम मेमोराइज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो वो चीज़ें जिसको याद है उसको याद है, जिसे याद नहीं है उसके लिए टफ है। अब लैंग्वेज और भाषा हिंदी कैसी पूछेगी? मेरा हिंदी, हाँ हिंदी अच्छा था। अच्छा, हिंदी अच्छा। हिंदी हिंदी के क्वेश्चंस अच्छे थे और मेरे काफ़ी हद तक मुझे लगता है सही हुए हैं। अच्छा, हिंदी में बता दीजिए आपका, मेरे को लग रहा है लाइकलीहुड जो लाइक करते हो हिंदी को, उसमें किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए आप? स्टेप बाय स्टेप हिंदी में जैसे एक पर्यायवाची शब्द पूछे थे, विलोम शब्द पूछे थे, एक उस पर गद्यांश आया था, है ना, जैसे ग्लोबलाइजेशन, जिसे एक्चुअली मैं इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट हूँ, बट मैंने हिंदी का अटेम्प्ट कर लिया था, और उसको हिंदी में बोलते हैं भूमि समथिंग कुछ बोलते हैं ना, पर हाँ मुझे आगे तक उसका फर्स्ट ही क्वेश्चन था, और एक पोएम क्वेश्चन पोएम थी, सिर्फ एक क्वेश्चन था जिसमें मुझे लगता है उसमें मेरे मार्क्स कटे होंगे, बिकॉज वो क्वेश्चन था कि एक पोएम दी थी और ये पोएम किसने लिखी है। अच्छा, ये एक्चुअली मुझे ऐसे क्वेश्चन फेस करने में मुझे पर्सनली प्रॉब्लम आती है, फैक्चुअल बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं। अब लैंग्वेज इंग्लिश में क्या कैसे पूछा गया? इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश के अच्छे क्वेश्चन थे इंग्लिश में, जैसे एक फिलिप्स थे और उसमें आपको वर्ड पुट करने हैं, इन है, एट है, ए है, एन है, तो वो बहुत बहुत इजी था। और पैसेज आया था, एक पोएम आई थी, उसके बेस पे क्वेश्चंस थे इंग्लिश में। और अब ये मैथमेटिक्स से बात करते हैं, मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चंस थे जैसे साइंस थे, और उन साइन को आपने इंटरचेंज कर दिया, प्लस को माइनस, डिवाइड को मल्टीप्लाई, रीजनिंग, ठीक है। हाँ, और जैसे टू को आपको एट लिखना है, एट को टू आपको ऐसा ऐसा करके, उसमें ट्विस्टेड वाले क्वेश्चंस थे, बट वो इजी थे, जब उसको हम सॉल्व करेंगे तो वो बहुत इजी थे, मतलब मेंटली प्रोसेस ही बस। हाँ हाँ, उसमें थोड़ा सा टाइम चाहिए आपको सॉल्व करने में, बाकी बहुत बहुत इजी था। कैलकुलेटर थे क्या? नहीं, कैलकुलेटर नहीं था, कैलकुलेटर नहीं था। और रेकॉर्डिंग से किसे? अच्छा, ज्योमेट्री से। ज्योमेट्री से क्वेश्चंस, जैसे एक क्वेश्चन आया था कि ट्रायंगल का जो सेंटर है वो कैसे निर्धारित किया जाएगा, तो एक था कि परपेंडिकुलर लाइन से, मीडियन से, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस था। और ज्योमेट्री का ऐसे मुझे अभी कुछ याद नहीं आ रहा है क्वेश्चन क्या था। रनिंग फिटनेस क्लब नीमच। हाँ, और ईवीएस से, एनवायरनमेंट स्टडीज से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? ईवीएस के क्वेश्चंस भी अच्छे थे। अच्छा, ईवीएस के भी? यस, जैसे ग्रीन हाउस गैस का जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट कौन सा है, तो वो क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी भी था, क्योंकि उसके ऑप्शंस बहुत अजीब थे, कि पैन PAN था, एक सल्फर ट्राईऑक्साइड था। अच्छा, एक कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा, था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शंस थोड़े ट्विस्टेड थे, बाकी बहुत इजी था, इजी था। अच्छा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया मैम ने, ऐसे आप भी एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि जो भी लाइव एग्जाम दे के बाहर आते हैं तो आप धड़ाधड़ बाहर निकल जाते हो, लाइव रिव्यू के देखे जाते हो। मैं पूछता रहता हूँ आपसे, और मैम ने बहुत अच्छे शानदार तरीके से लाइव रिव्यू दिया है। और आप बच्चों से किस प्रकार तैयारी करने के लिए पूछ सकते हो?
मैं बच्चों से बोलूँगी कि जैसे आजकल जो इंटरनेट है डेट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. आप बुक वगैरह पढ़ रहे हो ठीक है, लेकिन बुक से क्या होता है जो इंटरनेट पे जो वीडियोस आते हैं वो अपडेटेड होते हैं. तो उससे आप तैयारी करोगे ना तो बिकॉज किसी ने बनाया है, किसी का उसमें ऑलरेडी हार्ड वर्क है, तो वो हार्ड वर्क आप तक ट्रांसफर होगा और उसमें क्वेश्चंस अपडेटेड होते हैं, है ना. तो जैसे आप बुक से आप तैयारी करो, नो डाउट आपको बुक से तैयारी करनी है, बुक लेनी है, बुक खरीदनी है, बुक से पढ़ाई करनी है. लेकिन जब एंड के जो एक वन मंथ होता है या 15 डेज होते हैं तो उसमें आप वीडियोज़ देखो ज़्यादा से ज़्यादा. आपने अपना रनिंग फिटनेस क्लब देखा था? मैंने नहीं देखा. अच्छा नहीं देखा आपने, तो और क्या बोल सकते हो आप? रनिंग फिटनेस क्लब मैराथन जो हुई थी नीमच में वो, हाँ उसके रिलेटेड है. यूट्यूब पे चैनल है जहाँ फिजिकल और क्लासेस दोनों तैयारी होती है. और अब और आप क्या बात कहोगे बच्चों से? आपने टेस्ट सीरीज लगाई? हाँ टेस्ट सीरीज लगाई मैंने, यूट्यूब के वीडियोस देखे और मैंने बुक वगैरह मैंने परचेज करी थी नियर अबाउट 3 मंथ्स पहले. बट बिकॉज आई एम ऑल्सो टीचर यहाँ पे ज्ञानोदय इंटरनेशनल स्कूल है, यहाँ पे मैं पढ़ाती हूँ. अच्छा यहाँ पढ़ाते हैं? हाँ. और अभी मेरी एग्जाम भी चल रही है एम ए हिस्ट्री की, तो मेरे बहुत सारे एग्जाम्स चल रहे हैं, साथ में मैं वर्किंग भी हूँ, तो टाइम नहीं मिल पाया इतना, लेकिन फिर भी जितना टाइम मिला ना मैंने उसे फुल यूज़ किया जी. मैम ने अच्छे से एक्सप्लेन किया. 107 नंबर है, कैटेगरी ओबीसी है आपकी. हाँ बिल्कुल. तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स से शेयर करना जरूर, और आई बेल बटन सब्सक्राइब जरूर करिएगा. आप जितने भी व्यूवर्स हैं, 1,00,000 के समथिंग 78,000 व्यू हैं अपने एक किसी वीडियो पर हैं, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, देख के वीडियो चले जाता, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम. Please like, share and subscribe their channel. They are doing very hard work and they are transferring the knowledge to you all people. So please give them a thumbs up. Thank you. Thank you.